गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रोजी शाह, सहाचार्य समाजशास्त्र, बीजीटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा जयपुर। आज हम इमाइल दुर्खीम के सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियम, सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम, समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियम और उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के निष्कर्षों को जानेंगे। सबसे पहले आज हम सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियमों को समझेंगे। इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक के चौथे अध्याय में सामाजिक प्रारूपों या प्रकारों के वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख किया है। आपने सबसे पहले दो प्रकार के दृष्टिकोणों को, जो कि समाज में प्रचलित हैं, बताया है। एक दृष्टिकोण नामवादी और दूसरा दृष्टिकोण है यथार्थवादी। आपने इन दोनों ही दृष्टिकोणों की आलोचना की है और उसके बाद आपने सामाजिक प्रारूपों के वर्गीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इमाइल दुर्खीम ने समाजों के वर्गीकरण का आधार सरलता बताया है। दुर्खीम ने स्पेंसर की तरह समाजों के वर्गीकरण का आधार सरलता माना है, लेकिन स्पेंसर ने सरलतम समाज की कोई परिभाषा नहीं दी है। इमाइल दुर्खीम ने समाजों का वर्गीकरण सरलतम समाजों से प्रारंभ करने का सुझाव दिया है तथा सरल समाज की निश्चित परिभाषा भी अपनी पुस्तक में प्रस्तुत की है। आपने सरलता के आधार पर समाजों का जो वर्गीकरण किया है वह इस प्रकार है। आपने चार प्रकार के समाज बताए हैं: सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। अब हम इन चारों समाजों को समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम सरल समाज। दुर्खीम के अनुसार सरल समाज वह समाज है जिसमें इकाइयां भिन्न भिन्न नहीं होती। इन समाजों की इकाइयों में समानता होती है। श्रम का विभाजन विशेषीकरण नहीं होता, वे स्वयं में पूर्ण इकाई होते हैं। ये समाज जीवों की संरचना जैसे होते हैं। जैसा कि दुर्खीम लिखते हैं, सरल समाज वह समाज है जिसमें उससे और अधिक सरल समाज उसमें विद्यमान नहीं होते हैं और जिसके वर्तमान स्वरूप में ना केवल एक ही खंड विद्यमान होता है बल्कि उसमें पहले से भी किसी प्रकार के उपखंडों की उपस्थिति के निशान नहीं मिलते हैं। दुर्खीम के अनुसार इन समाजों को और छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये आत्मनिर्भर तथा पूर्ण इकाई होते हैं। दुर्खीम ने इसका उदाहरण बताया है, गोत्र समूह। अब हम दूसरे प्रकार के समाज को समझेंगे, बहुखंडीय सरल समाज। जब कहीं गोत्र समूह मिलकर किसी समाज का निर्माण करते हैं तो ऐसे समाज को दुर्खीम बहुखंडीय सरल समाज कहते हैं। इनको मिश्रित समाज भी कहा जा सकता है। इनका निर्माण करने वाले प्रत्येक खंड यानी गोत्र समूह सरल समाज होते हैं और इसके उदाहरण भी दुर्खीम ने बताए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की जनजातियाँ, इराक्विस, प्राचीन एथेंस के समूह। जब कई गोत्र समूह में उपजाति तथा उपजातियों से जाति व्यवस्था वाले समाज ग्रामों का निर्माण होता है तो उन्हें भी बहुखंडीय सरल समाज कह सकते हैं। तीसरा समाज का जो प्रकार दुर्खीम ने बताया है वह है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। जब कुछ बहुखंडीय सरल समाज परस्पर एक जटिल मिश्रित समाज का निर्माण करते हैं तो इससे जो अधिक विकसित समाज बनता है उसे दुर्खीम साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज कहते हैं। इसका उदाहरण दुर्खीम ने बताया है, रोम के नागरिक राज्य का निर्माण करने वाली जनजातियां, कबायली जनजातियां इसके उदाहरण हैं। अब हम चौथे प्रकार के समाज को
समझेंगे दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खीम ने इन समाजों को जटिलतम समाज बताया है। ये समाज के विकास के क्रम में उच्चतम श्रेणी के समाज हैं। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के योग या मिश्रण से होता है। इनके उदाहरण हैं नगर, महानगर, राजधानियाँ। अब इसके बाद हम सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियमों को जानेंगे। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक के पांचवें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के तीन नियमों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार हैं। पहला, जब हमें किसी सामाजिक घटना की व्याख्या करनी हो तो हमें उसके उत्पन्न करने वाले फलप्रद कारणों को तथा उस घटना के द्वारा पूरे किए जाने वाले प्रकारों को अलग अलग खोजना चाहिए। दूसरा, एक सामाजिक तथ्य के निर्धारक कारण को पूर्वगामी सामाजिक तथ्यों में ही ढूंढना चाहिए, ना कि व्यक्तिक चेतना की अवस्थाओं में। साथ ही एक सामाजिक तथ्य का प्रकार हमेशा किसी सामाजिक उद्देश्य के संबंध में ही खोजना चाहिए। तीसरा, किसी भी महत्व की सभी सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रथम उत्पत्ति को सामाजिक समूह की आंतरिक संरचना में ही खोजना चाहिए। चलिए अब हम दुर्खीम के समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियमों को संक्षेप में समझेंगे। अपनी पुस्तक के छठे अध्याय में दुर्खीम समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना से संबंधित नियमों को प्रस्तुत करते हैं। दुर्खीम के अनुसार इस कार्य के लिए अनेक पद्धतियों या विधियों का प्रयोग किया जाता है। दुर्खीम के अनुसार ये पद्धतियाँ इस प्रकार हैं, ऐतिहासिक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति। इन तीनों पद्धतियों को हम संक्षेप में जानते हैं। दुर्खीम ऐतिहासिक पद्धति एवं प्रयोगात्मक पद्धति को समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं एवं उनके मत में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके ही समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना उचित रूप से की जा सकती है। स्वयं दुर्खीम लिखते हैं, तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, बल्कि वह स्वयं समाजशास्त्र है, क्योंकि ये मात्र वर्णनात्मक ना होकर तथ्यों की व्याख्या करने की आकांक्षा करता है। अब हम निष्कर्ष संक्षेप में समझेंगे। अपनी पुस्तक के सातवें अध्याय में दुर्खीम के पूर्व के अध्यायों के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन्हें हम तीन बिंदुओं में रखकर देख सकते हैं। पहला, ये पद्धति दर्शन शास्त्र से पूर्णतः स्वतंत्र है। दूसरा, ये पद्धति वस्तुनिष्ठ है। तीसरा, ये पद्धति पूर्णतः समाज शास्त्रीय है। धन्यवाद।